महाशिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृतिका नक्षत्र चल रहा है, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। चंद्रमा आज सुबह 9 बजे से वृष राशि में चलते रहेंगे। यह चंद्रमा की उच्च राशि है, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। कृतिका नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, विद्वान, तेजस्वी, उदार हृदय वाले, लोकप्रिय और सामाजिक होते हैं। स्वागत सत्कार में प्रवीण, आराम पसंद और प्रतिभाशाली होते हैं। ये रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने वाले कलाकार और विभिन्न व्यवसाय से संबद्ध होते हैं। इनकी मौलिक विचारधारा अर्थ प्रधान होती है। अभिनय, नाटक, दूरदर्शन इत्यादि में भी रुचि बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही, तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातक के माता पिता प्रारंभिक दौर में थोड़े परेशान और चिंतित होते हैं। आज अच्छे कामों की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ किए गए काम चिरस्थायी होते हैं। कीमती वस्तुओं की खरीदारी, भूमि, वाहन, मकान, वैवाहिक कार्यक्रम इत्यादि संपन्न होते हैं। आज के दिन की गई पूजा अर्चना अथवा कोई भी संस्कार शीघ्र फलित होते हैं और शुभ माना जाता है। गोचर के अनुसार आज की तिथि और भी महत्वपूर्ण हो रही है। सूर्य पहले से ही अपनी उच्च राशि में चले आ रहे हैं और चंद्रमा भी आज अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। इनका योगदान हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आज से शनि वक्री हो गए हैं, जिसका असर प्रत्येक राशि पर उनके कारकों के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद धनु राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी। सूर्य के उच्च के होने से यह लाभ बरकरार रहेगा। वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी और धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्य योजनाओं के लिए आपका उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा, मगर शनि के वक्री होने से कार्य क्षेत्र की निरंतरता बाधित हो सकती है और एक ही काम के प्रति बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद संभावित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रुकावट की संभावना बनती है, मगर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहेगी। आपके इच्छानुसार कार्य योजनाओं के संपन्न होने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलंब की संभावना बनती है और साझेदारी के काम में सावधानी अपेक्षित रहेगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है, मगर शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, मगर साझेदारी के कामों में रुकावटें संभावित हैं। नई कार्य योजनाओं और निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बिठाकर रखें। निजी संबंधों में मतभेद की संभावना बनती है। वैवाहिक प्रस्तावों के मामले निरस्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और मेहनत सफल होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नए कार्य योजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और यथासंभव आप उन्हें लागू भी कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सकता है, मगर विभागीय अधीनस्थ कर्मचारियों से विरोध की संभावना बनती है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है।
हालांकि बुजुर्गों का सहयोग और अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी कामों में भी सहयोग मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मगर हर काम के पहल करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। शनि का वक्री होना आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा। संकोची स्वभाव को त्यागते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति संभावित है और पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी का संकेत मिलता है। कार्य योजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है। अपने सार्थक प्रयास जारी रखें। नई कार्य योजनाओं में अनावश्यक बाधा व रुकावटों का संकेत मिलता है। हालांकि साझेदारी के काम लाभदायक सिद्ध होंगे। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में बाधा और संतान संबंधी चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। तुला राशि वाले जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में कमी संभावित है। कार्य क्षेत्र के प्रति सार्थक पहल में कमी आएगी और नई कार्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। शनि के वक्री होने से कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है, जबकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में तनाव उचित नहीं होगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के धन संबंधी मामलों में रुकावटें या धन हानि की आशंका बनती है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में किसी स्रोत से मिलने वाले धन में रुकावट या कागजी कमी की वजह से अड़चन संभावित है। हालांकि आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी, मगर काम पूरा होने में दिक्कत महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में निरंतर अभ्यास जारी रखें। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ की यात्राएं और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि आपके प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और रुके हुए सरकारी मामले संपन्न हो सकते हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संयम बनाए रखें, सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है। शनि के वक्री होने से धन संबंधी मामलों में चिंता का संकेत मिलता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और काम काज सुचारू ढंग से चलता रहेगा। फलस्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई कार्य योजनाओं में मन लगेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है, मगर कार्य क्षेत्र में चल रही जिम्मेदारी का निर्वहन होता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में कुछ रुकावट आ सकती है, मगर आप अपने बुद्धि कौशल से उसका निस्तारण कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार व्यवस्था होती रहेगी।
और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा, मगर हर काम करने के प्रति पहल करने में कमी और रुकावट का अंदेशा बनता है। कार्य क्षेत्र में अचानक गड़बड़ी या विवाद की स्थिति संभावित है। नई कार्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। आय से अधिक व्यय की स्थिति बनी रहेगी और अनावश्यक मानसिक दबाव का संकेत मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो पीले रंग का ध्वज मंदिर के शिखर पर लगाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो धर्म स्थल पर गुप्त दान करना चाहिए और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं, तो कुएं में दूध चढ़ाना चाहिए तथा रात्रि के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो चांदी की 2 गोलियाँ 43 दिन तक अपने पास रखनी चाहिए तथा उसके बाद गोलियों को निकाल कर पूजा घर में रख देना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात धन लाभ के लिए चने की दाल को निर्जन स्थान में जमीन के नीचे दबा देना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसा करते समय कोई व्यक्ति आपको टोके नहीं। संतान सुख के लिए मिट्टी के पात्र में शहद भर कर रखना चाहिए तथा नित्य प्रति उसका सेवन करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में सौंफ भरकर जमीन में दबाना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए कुछ समय मौन व्रत रखना चाहिए तथा हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। जीवन में उन्नति के लिए शराब बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए और यह प्रयोग शनिवार को लगातार एक ही स्थान पर करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए 4 शुक्रवार लगातार जटा सहित नारियल नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जीवन में बार बार बाधाओं से बचने के लिए अनैतिक विचारों और कुसंगति से बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।